हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, यानी कि ऑटिस्टिक गौरव दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, साथ ही इस दिन को मनाने के पीछे का इतिहास क्या रहा है, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। रेनबो इन्फिनिटी ऑटिस्टिक गौरव दिवस का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। इस दिन को मनाए जाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो लोगों के बीच ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पहला ऑटिस्टिक गौरव दिवस 2005 में ब्राज़ील में गैरिथ एंड एमी नेल्सन द्वारा बनाए गए एसपीस फॉर फ्रीडम समुदाय ने मनाया था। बाद में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया और हर साल 18 जून को मनाया जाने लगा। अब ऑटिज्म क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, दुनिया भर में हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है वो ऑटिज्म जागरूकता दिवस, लेकिन 18 जून को जो मनाया जाता है वो ऑटिस्टिक प्राइड डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित किया था। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, इस दिन उन बच्चों और बड़ों के जीवन में सुधार के कदम उठाए जाते हैं जो ऑटिज्म से ग्रस्त होते हैं और उन्हें सार्थक जीवन बिताने में सहायता दी जाती है। नीला रंग ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। नीले रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। ऑटिज्म के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, देखिए। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बच्चे के पूर्ण विकास को बाधित करता है, यानी कि वो बच्चे का पूरी तरीके से विकास नहीं होने देता है। इसके लक्षण जन्म से या बाल्य अवस्था प्रथम 3 वर्षों में ही नज़र आने लगते हैं और व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों में ये रोग होता है ये उनके विकास अन्य बच्चों से असामान्य होता है, साथ ही इसकी वजह से उनके न्यूरो सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑटिज्म एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो किसी व्यक्ति की दूसरे के साथ संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो क्षमता ये प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। ये उम्र भर बना रहने वाला विकार है, ये उम्र भर बना रहता है, सोच लीजिए, ठीक ही नहीं होता है जल्दी। ऑटिज्म के लक्षण क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ऑटिज्म के दौरान व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। ऑटिज्म के रोगी को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। कई बार ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति को बोलने और सुनने में समस्याएं आती हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑटिज्म पर जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक, देखिए, भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक प्रति 110 में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है और हर 70 बालकों में एक बालक इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस बीमारी के चपेट में आने के बालिकाओं के मुकाबले बालकों की ज़्यादा संभावना है, यानी कि लड़कियों के मुकाबले लड़के इस बीमारी की चपेट में ज़्यादा आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक 160 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। आगे बढ़ते हैं, 2015 तक दुनिया भर में ऑटिज्म से लगभग 24.8 मिलियन लोग प्रभावित थे। इस बीमारी को पहचानने का कोई निश्चित तरीका ज्ञात नहीं है, लेकिन जल्द निदान हो जाने की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ किया जा सकता है। दुनिया भर में ये बीमारी पाई जाती है और इसका असर बच्चे, परिवार, समुदाय और समाज पर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ऑटिज्म के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है ये कि हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और 2 अप्रैल को मनाया जाता है ऑटिज्म डे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।